हेलो एवरी माय माई सेल्फ जब्बार हुसैन आई एम एम बी बी एस सेकेंड ईयर स्टूडेंट तो आज हम बात करने वाले हैं ईटियोलॉजी ऑफ कैंसर यानी कि कैंसर क्या होता है कैंसर के कारण क्या होते हैं कैंसर होने के कैंसर क्या होता है ठीक है आज हम जानने वाले हैं कैंसर क्या होता है तो बेसिकली जो कैंसर होता है वह थ्री टाइप से होता है रेडिएशन कार्सिनोजेनेसिस केमिकल कार्सिनोजेनेसिस और माइक्रोबियल कार्सिनोजेनेसिस यानी कि ये थ्री एजेंट होते हैं जिनकी वजह से कार्सिनोमा uh, होता है कार्सिनो यानी कि जिनकी वजह से कैंसर होता है रेडिएशन की वजह से केमिकल के वजह से एम माइक्रोबियल एजेंट की वजह से कार्सिनोजेनेसिस होता है तो ठीक है अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर रेडिएशन रेडिएशन कार्सिनोजेनेसिस यानी कि रेडिएशन से होने वाले कैंसर्स ठीक है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और इरोनाइजिंग रेडिएशन यानी कि दो टाइप की रेस होती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड आरो आयरोनाइजिंग रेडिएशन तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती हैं तीन तरह की होती हैं अल्ट्रा अल्ट्रावायलेट ए अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी तो अल्ट्रावायलेट बी जो होती है ये स्किन कैंसर के लिए कास्ट होती है यानी कि इन स्किन कैंसर के लिए बहुत इफेक्टेड होती है ये ठीक है तो अब हम बात करते हैं आयरोनाइजिंग रेडिएशन आयोनाइिंग आयरोनाइजिंग रेडिएशन में मुख्यतः तीन तरह के क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आते हैं कि मोस्ट कॉमन कैंसर एसोसिएटेड आयरोनाइजिंग रेडिएशन अगर ये क्वेश्चन मान लो एग्जाम में ये बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि मोस्ट कॉमन कैंसर एसोसिएटेड आई आर यानी कि आयरोनाइजिंग रेडिएशन तो एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया Acute leukemia, इसका आंसर होगा। तो पर होता है मोस्ट में ऐसा कौन सा कैंसर है जो आयरनाइजिंग uh, रेडिएशन के कारण होता है तो उसका उसका आंसर है कार्सिनोमा था पेपिलरी कार्सिनोमा था ठीक है यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि विच ल्यूकीमिया विच ल्यूकेमिया इज एसोसिएटेड विथ रेडिएशन यानी कि रेडिएशन मतलब ऐसा कौन सा कैंसर है जो रेडिएशन से नहीं होता है ठीक है रेडिएशन की वजह से नहीं होता है तो वो है सी एल एल यानी कि क्रोनिक लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया यानी कि ये क्वेश्चन आता है यहाँ से अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन देगा देगा कि कौन सा ऐसा कौन सा कैंसर है जो रेडिएशन के थ्रू नहीं होता इसमें ऑप्शन भी दे देगा ऑप्शन मान लीजिए ये भी दे देगा ये भी दे देगा एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया भी दे देगा पेपलेरी कार्सिनो कार्सिनोमा थारॉयड भी दे देगा तो यहाँ पर यह भी दे देगा सी सी एल यानी कि क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकोसीमिया तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ये अब हम सेकेंड नंबर पर बात करने वाले हैं केमिकल अब हम बात करने वाले हैं केमिकल कार्सिनोजेनेसिस केमिकल से भी कैंसर होता है इस चीज़ का जो पता लगाया था उन साइंटिस्ट का नाम था सर पार्सिवल पोर्ट और इन्होंने स्क्रूटम स्किन कैंसर में सबसे पहले ये पता लगाया था कि के हाँ केमिकल से भी कैंसर होता है। तो कौन कौन से केमिकल्स हैं अब हम बात करते हैं इधर के कौन कौन से केमिकल से कौन कौन सा कैंसर होता है तो देखिए केमिकल पहले केमिकल की बात करते हैं फिर ये इधर लिखा हुआ है कैंसर कैंसर कौन सा होता है किस केमिकल से होता है तो एसबेस्टोस से जो कैंसर होता है मोस्ट कॉमन कैंसर एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द लंग्स लंग्स का एडिनोकार्सिनोमा होता है एब एसबेस्टोस केमिकल से और मोस्ट स्पेसिफिक जो होता है वो होता है मीसोथिलीमा ऑफ लंग्स ठीक है तो एर्सैनिक नंबर टू पे है एयरसैनिक एर्सैनिक केमिकल से स्किन कैंसर होता है लंग्स कैंसर होता है लीवर कैंसर होता है बेंजीन कैंसर है एक्यूट एकट ल्यूकेमिया जो ये वन टाइप ऑफ द टाइप ऑफ कैंसर ऑफ द ब्लड एंड बोन मोरे ये ब्लड और बैन मोरे का एक टाइप का कैंसर है जो इमेचर ब्लड डब्ल्यू में होता है ठीक है अब यहाँ यह होता है डाई एथाइल स्टिलबेस स्टिल डायल एथेल स्टेबेटर से होता है क्लियर क्लियर सेल कार्सिनोमा एंड फीमेल जेनेटल ट्रैक का कार्सिनोमा होता है अभी देखते हैं एस्ट्रोजन से एस्ट्रोजन से कौन सा होता है एस्ट्रोजन से, से होता है एंडोथेलियल कैंसर एंड ओरल कंस्ट्रीब्यूटिव पाइल से होता है कंसरेप्टर पाइल से होता है सर्वाइकल कैंसर एंड एल्कोहल से होता है हेपेटिक सेल कार्सिनोमा और तंबाकू से होता है ओरल कैविटी लंग्स रेनल सेल कार्सिनोमा आदि ओरल सेल ओरल केविटी में होता है लंग्स में होता है रेनल सेल कार्सिनोमा में होता है ठीक है अब इधर ये तीन केमिकल हैं। विनिल कोरोइड, आर्सोनिक एंड थोरो थोरोट्रोट थोरोट्रेस्ट ये तीन केमिकल जो होते हैं ये लीवर का एंजियोकारसिनोमा ऑफ द लंग्स एनजियो ऑफ द लंग्स की बात करते हैं इधर हम बात करते हैं माइक्रोबियल कार्सिनोजेनेसिस माइक्रोबियल कार्सिनोजेनेसिस में जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं उनका बैक्टीरिया से कौन सा कैंसर होता वायरस से कौन सा होता पैरासाइड से कौन सा होता तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया की तो बैक्टीरिया क्या हैलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी ये एक नाम बैक्टीरिया होता है वॉज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द क्लासिफाइड एज अ कार्सिनोजन यानी कि, कि कार्सिनोजन में जो देखा गया था सबसे पहला ये ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड किया गया था ये दो तरह के कैंसर जनरेट करता है गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा नंबर टू पे मेलेटोमा ठीक है तो जिसे लिम्फोमा बोलते हैं मेलेटोमा लिम्फोमा एक की बात है ठीक है अब ये पैरासाइट पैरासाइट से कौन सा कैंसर होता है पैरासाइट्स टू पैरासाइट्स होते हैं इसकिस्टोसोमा एंड क्लोनो क्लोनोर यानी कि क्लोनोर चिस, ये होते हैं ये ट्राइमेटोड फैमिली के होते हैं ये क्या क्या करते हैं इसके जो करता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में जो स्क्वास सेल्स होती है वो, उसका कार्सिनोमा करता है और क्लोनोरचिस ये करता है कोलेजन कार्सिनोमा ठीक है अब हम इधर बात देखते हैं कि वायरल कार्सिनोजेनेसिस क्या है वायरल यानी कि वायरस से होने वाले तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर वायरस के आर वायरस में एच टी एल वी वन यानी कि ह्यूमन टी सेल यू ल्यूकोमा लिम्फोमा वायरस ये इट्स एक्ट ऑफ द टैक्स जीन यानी टैक्स जीन में दिखाई दे दिया टैक्स जीन के कारण होता है ठीक है और हेपेटाइ, हेपेटाइटिस सी वायरस ये होता है हेपेटो सेल्युलर कार्सिनोमा करता है ठीक है अब हम यहाँ पर बात करते हैं डीएनए वायरस डीएनए वायरस का हिपैटिक हेपेटिक बी हेपे, वायरस हेपेटाइटिस बी वायरस ये हिपैटो सेल्युलर कार्सिनोमा करता है इट्स एक्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन एक्स जीन में देखा गया था ठीक है अब ये ह्यूमन हर्पीज वायरस ह्यूमन हर्पीज वायरस कौन कौन सा कैंसर करता है प्राइमरी इफ्यूजन लिम्फोमा करता है तो इधर अब हम बात करते हैं दूसरा यह आता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या है ठीक है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इस एक्ट कोस

ये इधर देखते हैं चौथे नंबर पे ये बोलते हैं एप्सटीन बार वायरस एप्सटीन बार वायरस क्या होता है ये मेंबर ऑफ द हर्पीज वायरस हर्पीज वायरस का एक मेंबर है एप्सटीन वायरस तो ये क्या करता है वायरस जैसे भी बॉडी में जाता है तो ये बीटा सेल जो होती है हमारी बॉडी में जो बीटा सेल्स होती है उसके रिसेप्टर पे इंक्लूड रिसे, उसको इफेक्ट करता है बीटा सेल को इफेक्ट करता है ठीक है और इस पे रिसेप्टर लगे हुए हैं बीटा सेल पे रिसेप्टर लगे होते हैं सी डी सी डी ट्वेंटी वन और सी आर ये इफेक्ट करते हैं एल एम पी वन जीन यानी कि लेटेंट मेमब्रेन प्रोटीन पर ठीक है और ये ई बी एन एनि के एप्सटीन बार वायरस न्यूक्लियर एंटीजन पर ठीक है तो ये देखते हैं हम इधर एप्स्टीन बार बार वायरस इंटर बीटा सेल विया सी डी ट्वेंटी वन एंड सी डी ट्वेंटी टू यानी कि एंटर करता है ये इसके थ्रू एंटर करता है सी डी ट्वेंटी वन जो रिसेप्टर होते हैं इसके थ्रू एंटर करता है वायरस बीटा सेल पे इफेक्ट करता है ठीक है वाज़ द फर्स्ट वायरस लिंक्ड टू द ह्यूमन ट्यूमर यानी कि ये सबसे पहला वायरस ऐसा था जो ह्यूमन ट्यूमर में देखा गया था वायरस जो था पहला देखा गया था ह्यूमन ट्यूमर में ठीक है ये बुरकिन लिम्फोमा बुरकिन लिम्फोमा में देखा गया था इट्स फॉर्म आर नॉन होचकिन लिम्फोमा इन विच कैंसर स्टार्ट इन द इम्यून सेल अट कॉल बीटा सेल ठीक है तो हमने इधर बात की थी ये जो इसका एल एम पी वन जीन पर तो लेटेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन पर जो इफेक्ट करेगा और ई भी वायरस न्यूक्लियर एंटीजन पर जो इफेक्ट करेगा ठीक है एल एम पी वन पर क्या करता है ये एल एम पी एल एम पी वन जीन पर इफेक्ट करेगा तो ये जो जनरेट करेगा ये कौन सा कैंसर जनरेट करेगा ये कार्सिनोमा जनरेट करेगा और लिम्फोमा कार्सिनोमा में क्या होता है कार्सिनोमा में नेजोफेरिंजियल कैंसर आता है ये सबसे पहले चाइना में देखा गया था नेज़ोफेरिंजियल कैंसर चाइना में देखा गया था और गैस्ट्रिक कैंसर करता है ठीक है ये दो तरह के कैंसर करता है, है? कार्सिनोमा जो होता है ये एल एम पी वन जीन जो होता है ये दो तरह के कैंसर कार्सिनोमा और लिम्फोमा कार्सिनोमा में आता है नेजोफेरिंगस एंड गैस्ट्रिक कैंसर ठीक है अब इधर लिम्फोमा आधा बुरकिट्स लिम्फोमा जो अफ्रीकन चिल्ड्रन में मेनली देखा जाता है बुरस्किन लिम्फोमा और होजकन लिम्फोमा ठीक है अब एप्स्टीन एप्स्टीन बार वायरस न्यूक्लियस न्यूक्लियर एंटीजन जो है ये न्यूक्लियर एंटीजन टू जीन जो है ये इफेक्ट करता है चीन